बिल्कुल, मैं आपके तरफ आता हूं। वाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा जहां तक कोरोना वायरस के हवाले से, जिस तरह से मैंने मंजूर साहब से भी पूछा कि जो एक मुशाहिदा है हमारा, वो क्या कह रहा है, आपने मंजूर साहब ने अपनी राय रखी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारा मुल्क, हमारे मुल्क में जो तहकीकाती इदारे हैं उनको आप कैसा देखते हैं, और फिर इस कोरोना वायरस के हवाले से शुरू से लेकर अगर आज तक भी हम किसी किसी भी डॉक्टर से, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करते हैं, तो वही जो मतलब एक एक लाइन वाली बात थी, वो जो पहले थी वही आज भी है, इसमें कोई तब्दीली हमको नजर नहीं आती। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इन दिनों में हमने कोई नई बात दरियाफ्त की है कोरोना वायरस के हवाले से, और फिर जो कुछ हमारी जो जो रास्ता है हमारा, जो हम तय कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ WHO पर ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। नई बात पता की है जो WHO ने बताई है कि अब ये ता उम्र जो है HIV की तरह आपको कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। तो ये नई बात, इसका पूरा मेरा मुशाहिदा सुन लीजिए। तो इन्होंने WHO ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, इशारा दे दिया है HIV। मैं ये कहता हूँ कि अभी आप इंटरनेट पर जाइए, देखिए हैदराबाद में तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा जो है वो आपको मिलेंगे, जो एड्स पेशेंट बताए जाएंगे आपके हैदराबाद में। और जब आप ये देखेंगे, यानी हर 100 में से 1 करोड़ की आबादी आप मान लीजिए शहर की, अगर 1 करोड़ की आबादी आप मान लेते हैं तो हर साल ये आपका 1% के करीब आपका बैठ जाता है। अगर ये 3% बैठ जाता है, 3% यानी हर 100 में से 3 लोग। अब जितने लोग हमारे मेरी आवाज सुन रहे हैं वो सब अपने अपने 100-100 लोगों में फोन करके पता करिए कि वो किसी एड्स पेशेंट को जानते हैं क्या, सब का सब जवाब देंगे नो। तो WHO ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, ठीक, अब ऐसे ही कोरोना के साथ आपको जीना पड़ेगा। क्योंकि इसके पीछे बिजनेस कैंपेन होते हैं, बिजनेस चीजें होती हैं, जो आप उस तरह सदियों तक हमारा ना इस्तेमाल करता था, वो सिर्फ यूज एंड थ्रो करता है, जो सीरीज आपको लगती थी पका के वो आपको सिर्फ यूज एंड थ्रो होती है। वो सारा एक कैंपेन होता है, बिजनेस कैंपेन होता है, वो सारी चीजें उसमें शामिल है। 5 से 6 चीजें ऐसी हैं जो उसको मैं प्रोडक्ट में जो डेली यूज करता है इंसान, वो खरबों रुपए का रोजाना का बिजनेस है। तो हमने मान लिया WHO की बात, कि कोरोना को भी आपको HIV की तरह ही देना पड़ेगा। तो दूसरी बात, ये हेड तो आपको मिल जाता है, अगला हेड सुन लिए। मैंने कहा कि अभी तक आपकी दवाई जैसे एड्स की दवाई नहीं बनाई और दुनिया बना भी नहीं हुई, और वैसे ही आपने कोरोना की दवाई भी नहीं खोजी, मगर इसमें 99% से ज्यादा हिंदुस्तान में क्योर होके घर पहुंच रहे हैं। तो वो दवाई ऊपर वाले फरिश्ते लेके आते हैं, देवदूत लेके आते हैं, या वो खुद अपनी जेब में दवा लेके चुपके से खा के ठीक होके चले जाते हैं। अगर दवा है नहीं तो ठीक क्यों हो जाते हैं? दवा अगर ये बीमारी इतनी घातक नहीं है तो दुनिया क्यों बंद करती है? तो ये सारे सवाल तो मैं उठाऊंगा, कम से कम मेरा अधिकार है पूछने का सवाल। तो सवाल जवाब जिसके पास होगा दे दीजिएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, जब ये आप ये मान लीजिएगा कि इसके पीछे जो मेरा मुशाहदा कहता है वो ये है सीधे सीधे कि ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारे कैंपेन जो इल्यूमिनाटीज ने बनाए हैं वो कंप्लीट नहीं हो जाते। उसमें से एक छोटा सा प्लान ये भी है कि आपका कैश खत्म हो जाए। तो ये जो मजदूर बैठ रहे हैं ना सड़कों पर, ये जिनकी आप चिंता कर रहे हैं, मंजूर साहब कर रहे हैं, माजी साहब कर रहे हैं, बहुत सारे हमदर्द जिनके सीनों में थोड़ा बहुत इंसानियत और दिल हिंदुस्तान में बचा हुआ है, कुछ ही लोग हैं वो थोड़े बहुत, पर उनके अंदर जो दिल बचा हुआ है वो उस तरह के लोगों के अंदर बड़ी तकलीफ है, नंगे पैर तड़पते भूखे बच्चों की और सड़कों पर मरते मजदूरों की। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बेरहम जिनको इंसान को चिकन समझते हैं, उन लोगों का मकसद ये है कि कैश इनका सब धीरे 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 वो एक जगह पर स्टोर हो रहा है। यानी मजबूरी में जब समाज में लॉकडाउन करने के बाद कैश भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, अपने आप ये सब डिजिटल हो जाएगा, क्योंकि आपका छोटा जो आपके पास घर में बैठा है लॉकडाउन है, इसमें से 90% लोगों का कैश खत्म हो जाने वाला है। ये सारा का सारा पहुंचेगा एक दुकानदार को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और एंड में स्टॉकिस्ट के पास जमा हो जाएगा पूरा कैश। वहां से सरकार शायद अपना कोई प्रावधान कर लेगी, उसको बोल देगी कैश का लेन देन बंद करो, क्योंकि कनाडा में 100% डिजिटल की घोषणा हो गई, 99% कैश की कैशलेस की हो गई है। ऐसे कई यूरोपियन कंट्रियों में आज इस लॉकडाउन के चलते हुए कैश को हटा दिया गया है, आप डिजिटल पेमेंट करोगे आपको OTP आएगा, उससे आप सामान खरीद लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे, पूरा जो बिजनेस का सिस्टम मॉड्यूल है यानी मॉल सिस्टम मॉड्यूल है उसको डेवलप कर दिया गया है। जबकि इतनी भयानक बीमारी है कोरोना की पूरी दुनिया बंद करनी पड़ गई है, पूरी दुनिया का कुकर की तरह ढक्कन बंद कर दिया गया है,
एनसीपी की आवाज भी आने नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये किसी तरह का खेल बादस्तूर चल रहा है, बाजारीकरण बादस्तूर चल रहा है। अरे क्या बेवकूफ बनाते हो, तुम भी बेवकूफ, तुम्हारे जनता भी बेवकूफ, ये देश की दुनिया ही बेवकूफ, पहाड़ में जाए यार, मेरा दर्द मत करिए। ठीक है मांझी साहब, यहाँ पर देखें तो